أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون फी का मतलब है मैं कुलूब ही दिलों में, ये कल्ब की जमा कुलूब है, मरदुन बीमारी है, फजादा हमुल्लाहु फिर बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने, ज्यादा जो है ना ये उर्दू का वर्ड है यानी ज्यादा कर दिया, फा का मतलब हो गया पस, ज्यादा का मतलब बढ़ा दिया, हम का मतलब उनको, अल्लाहु अल्लाह ने, मरदुआ बीमारी में, जैसे ये जो ज़ौद है ज़ौद भी पढ़ सकते हैं हमारा ज़ौ भी, लेकिन हमारा ज़ौद अगर ज़ौद को ज़ौद में पढ़ा जाए तो वो उर्दू एक्सेंट बनता है, अगर दाल में पढ़ा जाए तो अरबिक एक्सेंट है, तो इसलिए मैंने उस तरह पढ़ा है। वलहुम और उनके लिए अजाबुन अजाब है, अलीम दर्दनाक, बीमा बसबब इसके के कानू थे वो, यकसीबून झूठ बोलते। अब ये जो है कुलूब का तो मैं बता चुकी हूँ कि ये कल्ब की जमा है यानी कि दिल, कभी दिल का लफ्ज़ अकल पर भी बोला जाता है और लफ्ज़ कल्ब के जरिए इन कैफियात को बयान किया जाता है जैसे रूह इल्म और शुजात वगैरह। मरदुन यानी हर वो अमर जो इंसान को हद सेहत से निकाल दे, ख्वा वो बीमारी हो या नफाक या शक या फसाद ये जुल्मत या किसी चीज में कमी या कोताही हो वो मर्ज कहलाता है। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, इस आयत में बीमारी का बढ़ाना अल्लाह ताला की तरफ इसलिए मंसूब किया गया है कि उसी के अहकाम और कवानीन की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। अल्लाह ताला के मर्ज बढ़ा देने से एक मुराद ये भी है कि अल्लाह ताला जूं जूं मुसलमानों को तरक्की देता और उनकी ताकत बढ़ाता गया, मुनाफिकों को अपने दिली अकीदे के खिलाफ उनके साथ ताल्लुक कायम रखने की वजह से और ज्यादा नफाक से काम लेना पड़ा। पर जूं जूं अहकाम और मसाइल बढ़ते गए मुनाफिकों का नफाक भी बढ़ता चला जाता था और उनकी जान और घबराहट और बुजली में इजाफा होता जाता था। वलहुम अजाबुन अलीम यानी कि जो पहली आयत जो हमने पिछली पढ़ी थी उसमें था कुफार की निस्बत फरमाया था, वलहुम अजाबुन अजीम यानी उनके लिए बड़ा अजाब है। अब इस आयत में मुनाफिकों की निस्बत फरमाया है वलहुम अजाबुन अलीम यानी उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इस फर्क की वजह यह है कि काफिर को ख्वाब किस कदर अजाब मिलता हो वो मुकाबला करके अपने दिल का गुबार निकाल लेता है और इस तरह बदला लेने से जो इंसान को दिली तसल्ली मिलती है वो उसे हासिल हो जाती है, मगर मुनाफिक अपने दिल में छुपा कर रखता है और अंदर ही अंदर कुड़ कुड़ कर मरता है। इसलिए मुनाफिक की इस हालत की तरफ इशारा करने के लिए अजाबुन अलीम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि उसे दुख के साथ जलन का भी मजा चखना पड़ता है।